हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 9.10 हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टैक्ट विद ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इज द सिस्टम इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, इग्नोर थिकनेस ऑफ द लेंसेज। तो कह रहा है कि बच्चों हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसके कॉन्टैक्ट में एक कॉन्केव लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो है बच्चों 30 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है माइनस की होती है तो माइनस की 20 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इनकी रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालता हूँ तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, 1/f1 + 1/kf2 होता है। तो 1/30 एंड प्लस 1/-k20 हो जाएगा। यहाँ से हम अगर एल का एलसीएम ले लेते हैं दोनों का तो 60 एलसीएम आ जाएगा, 2 - k3 - k1/60, यानी जो फोकल लेंथ है वो आ गई हमारे पास रिवर्स करके -k60 सेंटीमीटर। अब माइनस किसकी होती है, हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस की होती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन एक्स एज ए डाइवर्जिंग, तो वो डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह वो काम करेगा।